नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता। प्रथमे हेडलाइंस परिपाई आजिठ बीजेपी पदयात्रा सामिल हेबे राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष भानती श्रीनिवास। भुवनेश्वर जोधपुर को पदयात्रा करिब दल। मंत्री अरुण साहू को बरखास्त और सीबीआई तदंत दावी। आज विजु जनता दल कार्यकारिणी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अध्यक्षता करेंगे सभापति नवीन पटनायक। 2019 निर्वाचन पर प्रथम थर बसुची कार्यकारिणी बैठक। काली हेब दल परिवर्तित राज्य परिषद बैठक। परी हत्या मामला सरोज सेठी मां भौणी को छाड़ा एसआईटी। 12 घंटार पचरा उचरा और लाइट डिटेक्शन पर छाड़ा सूचना। एवं भी सरोज को अटक। गतकाली तीन जन को उठाई नहीं एसआईटी। वर्षा ना पलटा अभोग। पुलिस डीजी को चिठी लिखिले सांसद अनुभव महांती। वायरल ऑडियो को नहीं मागिले सुरक्षा। अनुभव परिवार विरोध में षड्यंत्र वर्षा कर उल्लेख। स्वाभिमान अंचल पुलिस एनकाउंटर को विरोध। 21 बंद डाकरा दे माओनेता कैलाश। एनकाउंटर ना साधारण लोक को निर्यातना देखा अभियोग। भद्रक नकली जर्दा कारखाना ठाप। विपुल परिमाण नकली जर्दा। दुईट मेसीन पाउच केमिकाल सेंट जबत। जड़े अभुक्त गिरफ। पुणा बजार थाना अंचल दीर्घ दिन चली जाल कारबा। गंध विश्वास करुण परिणति। मलकानगिरी गुणिगारिणी सन्देह नंदागुड़ा गांव में जड़े व्यक्ति को घर डाकिने हत्या। मुंड गंठी अलग कर शरीर पोति देते दुर्घट। परी को न्याय दाबी रे पदयात्रा करिब बीजेपी। भुवनेश्वर नयागढ़ जोधपुर को जीव पदयात्रा। एथिपाई भुवनेश्वर पहुंची बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष भानती श्रीनिवास। भुवनेश्वर पहुंचा पर मामलें सीबीआई तदंत दाबी करिछंति। बीजेपी पक्षर पांच दिन धरी आज आसंता 24 तारीख जाए यह पदयात्रा चलो। आज लिंगराज मंदिर पदयात्रा बाहरी जाँल पहुंच। 21 जाँलु सारुअ 22 सारुअर पिचुकाली एवं 23 पिचुकाली इटामाटी 24 इटामाटी जोधपुर पहुंच पदयात्रा। 24 तारीख में जोधपुर एक बड़ सभार आयोजन कर बीजेपी। परी हत्या मामलें मंत्री अरुण साहू को संप्रति अभियोग बहिष्कार दाबी करने घटनार सीबीआई तदंत दाबी करजेपी। तेज अधिक आलोचना पाई आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि रोशन रथ आम सहित लाइव जोड़ी। तेज रोशन परी को न्याय दाबी बीजेपी पदयात्रा आज आरंभ हो जहाँ कार्यक्रम रही पखापाखि पांच दिन धरी ए पदयात्रा चलो। वर्तमान ताजा चित्र कौन आसुच्छी रोशन? देखो तो वर्तमान तो बीजेपी पक्षर आ कि समय भितर आरंभ हम पदयात्रा यू लिंगराज मंदिर आरंभ हम और प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलने नहीं समय धार्य कर अर्थात जो पांच दिन लगे जोधपुर पर्यंत प्रतिदिन 20 किलोमीटर लगे। वर्तमान साधारण संपादिका लेखाश्री सामंतराय पहुँची सारी महिला मोर्चार बहु नेता पहुँची सारी बीजेपी धामनगर विधायक जी रही सी वर्तमान पहुँची सारी विष्णु सेठी सीधा सख्त सहित आलोचना करवा सर यू आ कि समय पर पदयात्रा बाहर कि पूरा जदि तदंत को देखा गत का एनसीआरसी जो रिपोर्ट आह क्योंठना के एसआईटी तदंत सहित पूरीर जिलापाल एवं एसपी भूमिका को नहीं प्रश्न उठी। ओडिशा रे गोटे शासन बोली किसी व्यवस्था ना संपूर्ण भूसुड़ी पड़ी एवं एनसीआरपी रिपोर्ट अनुसार जहाँ जना पड़ी से मैंने संतुष्ट नुहति एटी स्थानीय एसपी ठार आरंभ कर आईआईसी पर्यंत जो घंट घोड़ दोषी मानक जदि तत्णात कार्यक्रम हाथ को नहीं था पुलिस प्रशासन आज एभली अघटन केवे घटि न था निश्चित भाव जी दोषी से पदा को आसी था कि हजार हजार परी सब हजी जाऊँच कई का खोजना गोटे शिशुर मृत्युर जो अभोग आरकार एभली भाव में घंट घोड़ाइवा कहीं चेषा करवल मंत्री कौन ना आसटन इनवल्वमेंट को नहीं से गोटे कारण गोटे कारण नुह कैलसनेस टुवर्ड्स पब्लिक प्रॉब्लम्स जनसाधारण समस्या प्रति ये सरकार संपूर्ण उदासीन भाव प्रदर्शन करे मनोभाव तरी आ
आगे आपंकर पदयात्रा बाहर जो डिमांड आपने पूर्व विधानसभा उठे हंगामा करते सीबीआई तदंत करू गतकाली जो एनसीपीसीआर कहते केन्द्रीय संस्था तदंत करवा दरकार ओडिशा पश्चिम बंगला एमती किसी राज्य अच्छा जो मैंने केन्द्रीय नीति नियम आधार चलू ना आज ममता बनर्जी मना करदे कह मोर आईपीएस ऑफिसर माने एठु जिबे नहीं यू कौन प्रमाणित होती प्रमाणित हो जो फेडराल स्ट्रक्चर अच्छी संघीय व्यवस्था ता संपूर्ण भूसुड़ी से राज्य भूसुड़ी जाइए देखुले आम सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता जोड़ी होते विधायक जोड़ी होते जहाँ प्रतिक्रिया रखुते जे संघीय व्यवस्था सहित वर्तमान सरकार चाहूना एवं क्योंठ ना क्योंठ घटना को चापी देवाक उद्यम कर मैडम सहित आलोचना करवा मैडम एटु आ कि समय पर पदयात्रा बाहर आपंकर डिमांड जोटा रोला सीबीआई तदंत सहित मंत्री इस्तफा दिं निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी मूल तार आभिमुख्य स्पष्ट करता सीबीआई तदंत कर कृषि मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार करतमान राज्य में पांच वर्ष भितर 27,000 शिशु कुआडे गले आ 2019 एनसीआरबी रिपोर्ट को आप देखो 5,503 आ कि जोड़ी होती ये शिशु कुआडे गले बर्तमान आप सदस्य सद नयगढ़ घटना देखी जोटि खोद कृषि मंत्री अरुण साहू अंग तस्करी रैकेट सहित संपृक्त अच्छा तेणु भारतीय जनता पार्टी लड़ई परीर लड़ई आरंभ ये लिंगराज पार्टी करीर गाँ जदुपुरी समाप्त परी न्याय पाऊ तथा परी भलिया राज्य रो हजी जाइतिबा निखोज होइतिबा 5,000 रो उर्ध शिशुंकर न्याय रे आज भारतीय जनता पार्टी इटी रास्ता खोले छि न्याति भाबरे बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंह राम सहित अछंती तांक सहित मध्ये आलोचना करबा मैडम काली जेतेबेले जातीय महिला आपनकर बीजेपी महिला मोर्चा रो अध्यक्ष आस्थिले से प्रतिक्रिया रखिले प्रथम कथा कहितिले जे ए जो आपनकर पदयात्रा रहिछि सरकार को ऊपर गोटे बड़ चाप सृष्टि करबो आपन केतु दूर भाबु छंती जे पदयात्रा एवं जा आपनकर डिमांड रहिछि मंत्री प्रथम तो इस्तफा दिंतु बहिष्कार कर सीबीआई तदंत दाबी कर पदयात्रा आपत दूर चाप पक सरकार को देखु परी एवं परी भली 5,500 निखोज शिशु को लगे न्याय दवापाई कि आम पदयात्रा इतने सरकार बेक अच्छी कि नहीं आमर तो घोर सन्देह हो 5,500 शिशु गत 2 वर्ष 27,000 शिशु गत 5 वर्ष निखोज होता बेले 4.5 कोटी ओडिया मो परिवार कहुवा मुख्यमंत्री केमिति निघोड़ निदरे आमको से सब आश्चर्य लगुच ये छुआ को न्याय नाई महिला न्याय नाई युवक को न्याय नाई राज्य सरकार गोटे हिटलरी शासन चल जोर जबरदस्ती पुलिस एवं प्रशासन को व्यवहार करी जनमत को दबाई देवाक चेष्टा कर सफल होबेनी भारतीय जनता पार्टी ये पदयात्रा आप देखिए ओडिशा को दोहलई दब गोटे बड़ कथा आसूरी गत काली जो एनसीपीसीआर रिपोर्ट आसला जो थे स्पष्ट कहुचे जिलापाल एवं एसपी मुख्य अभियुक्त जे घटनार रही सी हाइकोर्ट में आत्मसमर्पण करती विभ्रांत करने को चेष्टा कर पूरा घटन जो मैंने सरकारी दफ्तर अफिसर रही जो मान दायित्व रही कहीं पिस्थितर घंट घोड़ा चेष्टा कर मुख्य दोषी देखो ये राज्य सरकार एवं 20 वर्ष शासन कलापर अनेक दुर्नीति भ्रष्टाचार अपराध में लिप्त हो सारे निजर ए स्थित बचेवापी ओडावासी आगे सब मुखा धीरे धीरे खोलुच स्थित बचेवापी कि जोर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन को व्यवहार करो एस आई टी तदंत आज तो गोटे मानने लोक हसुच्च एस आई टी तदंत जार क्षमता नहीं सी जोर जबरदस्ती मुझे एस आई टी बोली कहीकि ब्लड सांपल आएनए सांपल आक उठे नवा ये सबू कले कौन एनसीपीसीआर कहले अगेन्स्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो राज्य सरकार नियंतु डिसिप्लिनरी एक्शन बोथरा अगेन्स्ट निहाती भाव में आप देखुले बीजेपी साधारण संपादिका जहाँ प्रतिक्रिया रखुते वर्तमान पूरा तदंत को नहीं प्रश्न उठी एवं ए सबू भितर क्योंठना क्योंठ भाव में तदंतकारी संस्थार तदंत कथा कहतु किंवा जिलार एसपी और जिलार जिलापाल उभयर मध्य कार्यकर्ता को नहीं गोटे प्रश्न उठू कारण जहाँ सी एनसीपीसीआर पाखे रिपोर्ट तलब कर घटनार अभियुक्त अलरेडी हाइकोर्टे आत्मसमर्पण कर एनसीपीसीआर निज रिपोर्ट विभ्रांतर तथ्य बोली तेणु क्योंठना क्योंठ घटना
मामलें पूरा जदि देखा सरकार बैकफुट्रे अच्छी विरोधी आभिमुख्य जो रोचे जो मंत्री ना बहिष्कार जो मंत्री ना अभोग आत्याकांडर संपृक्ति नहीं बहिष्कार करफा दिंतु यह सहित पूरा घटन सीबीआई तदंत डिमांड होती स्थित जितिय शिशु सुरक्षा आयोग स्पष्ट करते केन्द्रीय संस्था घटनार तदंत करवा दरकार तेणु बर्तमान आउ कि समय पर बीजेपी पदयात्रा आरंभ हम बीजेपी पदयात्रा प्रथम दिन में आज जितिय महिला मोर्चा सभापति आई पदयात्रा जोड़ी हे तेणु पांच दिन धरी चलिया पदयात्रा 98 किलोमीटर स्पष्ट कर जो गाँ रही परीर जो गाँ रही जदिपुर सेठे आउ पांच दिन पर पहुँच रोशन आपड़ जो भाव कहते बीजेपी प्रथम ही ए प्रसंग को उठाई आसी निज जिद्रे अटल रही मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार अर्थात मंत्री अरुण साहू इस्तफा दियंतु एवं सीबीआई तदंत कर बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपण तमाम सूचना पाई। आज बसुची बीजेडी कार्यकारिणी बैठक बीजेडी रो नुआ टीम गठन होगा पर आज प्रथम कार्यकारिणी बैठक बसुची दलय कार्यालय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सभापति तो करे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कार्यकारिणी में स्थान पाई सदस्य मैंने जोगदे बैठक में विभिन्न प्रसंग में आलोचना हो पाए यापर सदस्य मानक मतामत लोड़ा बैठक में दलय संविधान संशोधन एवं आशा व्यक्त कर दलर सभापति नवीन पटनायक को दलर एग्जीक्यूटिव सदस्य मैंने भेटार कार्यक्रम रही तेज आज बीजेडी कार्यकारिणी बैठक बस बीजेडी नुआ टीम गठन होगापर आज प्रथम कार्यकारिणी बैठक बसुची तेज दलय कार्यालय होगाकु बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सभापतित्व तो करेंगे तेरे कार्यकारिणी स्थान पाई सदस्य मैंने जोगदे बैठक में विभिन्न प्रसंग में आलोचना हो पाए विशेषकर सदस्य मान मतामत लोड़ा बैठक में दलय संविधान संशोधन होगा नहीं आशा व्यक्त करसत दलर सभापति नवीन पटनायक को दलर एग्जीक्यूटिव सदस्य मैंने भेटार कार्यक्रम रही तेबे आज बीजेडी कार्यकारिणी बैठक एवं जदि कह 2019 निर्वाचन में प्रथम थर पर यह कार्यकारिणी बैठक बसुची जो बैठक में विशेषकर अनेक प्रसंग में आलोचना हो पाए जहाँ कहु तेरे ए सदस्य मैंने निजर मतामत लोड़े और निजर मतामत प्रकाश करेंगे एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सभापतित्व तो करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम जहाँ जी जो जोगदे जो बैठक में जो मैंने रही कार्यकारिणी सदस्य से मैंने जोगदे और निज प्रस्ताव रखे तो अधिक आलोचना पाई आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती दिव्य आज बीजेडी कार्यकारिणी बैठक बसुची केतेबेले बैठक बस क्यों विषय में आलोचना हे जेहेतु 2019 निर्वाचन पर प्रथम थर पर कार्यकारिणी बैठक बसुची तेणु ये बैठक टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बहन करुच्छे कौन रही अपडेट दिव्य तेब खूब शीघ्र जाम प्रतिनिधि दिव्य सहित आलोचना करवा तेज जो भाव आज बीजेडी कार्यकारिणी बैठक बसुची बसुची और बैठक टी नि भाव में गुरुत्व बहन कर 2019 निर्वाचन पर प्रथम थर पर कार्यकारिणी बैठक बसुची तेज बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सभापतित्व करेंगे जो कार्यकारिणी सदस्य रही प्रस्ताव रखे और ए मुख्यमंत्री हस्तक्षेप लोड़े विभिन्न प्रसंग में आलोचना हो पाए जहाँ कहु बैठक में दलय संविधान संशोधन होगा नहीं आशा करे या सहित दलर सभापति नवीन पटनायक को दलर एग्जीक्यूटिव सदस्य मैंने भेटार कार्यक्रम रही तबे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज बैठक में जोड़ी हे कार्यकारिणी बैठक रही
विभिन्न प्रसंग में आलोचना करा जीवो। तबे हम प्रतिनिधि दिव्य आम सहित जोड़ी होती तेज दिव्य जो जेहेतु 2019 निर्वाचन पर प्रथम थर पर कार्यकारिणी बैठक बसुची नियाती भाव में बैठक टी अनेक गुरुत्व बहन करूँ सब विषय आलोचना हे बैठक केते बेले आरंभ हम कौन रही अधिक अपडेट देखो सीधा साल आम देवास्थ मंत्री अच्छा आज्ञा कौन कह आज कौन सब बैठक आलोचना हम एवं आज प्रथम बैठक ठीक प्रथम बैठक मुख्यमंत्री नूतन भाव दल सभापति नियुक्ति आज आम स्टेट एक्जिक्यूटिव कमिटी बसुच्छे एवं कौन आभिमुख्य रल आगामी दिन सी मुख्यमंत्री स्वयं करते तेना आज डकरा दि जा मुख्यमंत्री कौन रोडमैप रही आम पौर निर्वाचन अच्छी पंचायत निर्वाचन अच्छी कोविड समय भितर ये दल कोभली भाव कार्यक्रम करूतन नर्मल आम कमी दलियों कार्यक्रम करश्चिंत भाव आज नवीन हूँ से सब गुड़ी कथा आमको आज्ञा युव बैठक में गोटे शाणित स्वर देखा मिलता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उभय दल को बीजेपी और कांग्रेस को गोटे शाणित आटाक करते एथर से कि लगुच कि पुणी आज सी तो स्पष्ट करशा को केवल ही आंचलिक दल ओडिशा को नेतृत्व दे पार ओडार दुख बुझे जो आंचलिक नेता हिसाब से आज ओडा प्रगति करसी गोटे विजय पथरे चली बारंबार जिते इलेक्शन आसू नरेन्द्र मोदी आसे केते कथा कहले अमित शाह केते कथा कहले कांग्रेस नेता मैंने केते कथा कहले किसी फरक पड़ा ना से सीधा सड़क पंचम थर पर नवीन बाबू को विश्वास दे निश्चय आप देखुन सहित देवास मंत्री आज कौन सब आलोचना हम से विषय कहले मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया जोड़े बैठक से कौन रणनीति रहा आगामी रणनीति से विषय निधवरे बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपणक सूचना पई तबे आगे समय पर बीजेडी कार्यकारिणी बैठक बसवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कार्यकारिणी सदस्यों सहित आलोचना करिवे। स्वाभिमान अंचल रे पुलिस एनकाउंटर को माओवादी विरोध 21 रे बंदाकरा देछंती माओ नेता कैलाश। मलकानगिरी जिलार स्वाभिमान अंचल रे पुलिस रो एनकाउंटर को मिथ्या बोली दर्शाई नक्सल संगठन यार विरोध करिछे। एनकाउंटर रो नाम रे तीन जन नक्सल को हत्या करा जाइतिबा नै आंध्र ओडिसा बॉर्डर डिविजन रो सचिव कैलाश आज एक प्रेस विवृति रे प्रकाश करछंती। स्वाभिमान अंचल रे वीएसएफ कैंप प्रतिष्ठा करी लोकन को निर्यातना देउतिबा कैलाश एथिरे अभियोग करछंती। पुलिस कार्यकलाप लोक जीवन जीविका उपर प्रभाव पकाउछे। मिथ्या एनकाउंटर रे मृत्युबरण करितबा शहीद को परिवार को आम सहानुभूति जनाउछु बोली एथिरे कुआ जाइछे। सांसद अनुभव पत्नी वर्षा पारिवारिक बिवाद मामला बढ़ी बढ़ी चली। आज डीजीपी निकट में पालटा अभियोग करते सांसद अनुभव महांती निज लेटर पैड रे पत्नी वर्षा ना चिठी लिखी अभियोग करते अनुभव किसी दिन तले वायरल होता एक ऑडियो को नहीं अभियोग हो वार्तालापर ऑडियो को जांच करने को अनुभव डीजीपी को अनुरोध करते ऑडियो रे वर्षा और भौणी मध्य वार्तालाप वायरल होता एक वार्तालापर ऑडियो को जांच करने को अनुरोध करिछंती अनुभव। वायरल ऑडियो तांको बिव्रत करितबा से तांको अभियोग रे लेखिबा सहित ऑडियो प्रमाणित होले अनुभव को सुरक्षा देबा पई चिट्ठी रे उल्लेख रहिछ। जीवंत तो उद्धार हेले ड्राइवर भद्रक राणीताल थारे दीर्घ 2 घंटार ऑपरेशन रे दुर्घटनाग्रस्त ट्रलर भितरे चापी होई रहितबा ड्राइवर जीवंत तो अवस्था रे उद्धार करा जाइछे। गुरुतर अवस्था रे ड्राइवर को मेडिकल भर्ती करा जाइतिबा सूचना मिलिछे। एक पार्सल बोझेई ट्रलर भुवनेश्वर आडु कलिकता अभिमुखे जाउथवा समय रे 16 नंबर जातीय राजपथ राणीताल निकटरे दुर्घटनार शिकार होइतिला। ट्रलरटी रास्ता उपरे पलटि जाइतिबारु ड्राइवर जड़क ट्रलर मध्यरे चापी होइ रहि जाइथिले। ए खबर जानबा परे भद्रक अग्निशम बाहिनी पक्षरु एक टीम दुर्घटनास्थल रे पहुँचिथिला। अत्याधुनिक कटर साहाय्यरे दीर्घ 2 घंटार ऊर्ध समय अपरेसन परे जीवंत अवस्था रे ड्राइवर को उद्धार करा जाइथिला। एक और पीछे था हाँ ये पीछे था छोटे
आसिबा परवर्ती खबर को धान खळारे लागिला निया फळरे खळारे गद्दा होइतिबा अमूल धान जळी पड़ी पाउंस होइ जायछि। बलांगीर सदर ब्लॉक अंतर्गत माध्यापाली ग्रामर नंदकिशोर पटेल को अमूल धान खळारे रहिथिला। समस्त धान बिक्री करबा पई गच्छित करि रखितबा बळे केही जणे असाधु व्यक्ति कोनोसी कारणवशतः निया लगाई देइतिबा अभिजोग होइछि। घटनास्थलरे अग्निशम बाहिनी पहुंचि नियाक आयत्त करिबारे सफल होइथिले। तबे 4 एकर विशिष्ट एक जमीर धान होइथुवा बळे पोडी जायतिबा धानर पाखापाखी अनुमानिक मूल्य 1,00,000 टंका हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। मयूरभंज उद्रा थाना ठारु 200 मीटर दूर से गौड़ीय मठ परिसर एक झुलंता मृतदेह उद्धार होइछि। उद्रा गौड़ीय मठ में रोसेया भाव काम करुथिबा अच्युत ब्रह्मचारी झुलंता मृतदेह से रहुथिबा घर भितर उद्धार होइछि। आदि सकाळु अच्युत घर कबाट खोलि नथिबा बेले मठर अन्य ब्रह्मचारी माने तांकु डाकिथिले। हेले से कबाट न खोलिबारु कबाट को भांगी दिया जाइथिला। कबाट भांगिबा परे अच्युत घर भितर झुलंता अवस्था रे थिबा देखिबाकु पाइथिले अन्य माने। जाकुने उद्रा पुलिस को खबर देबा परे पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि। तबे रोसिया अच्युत मृत्युर कारण एबे भी अस्पष्ट रहिछि। सरोज को परिवार लोक को 12 घंटा जेरा और लाइ डिटेक्शन टेस्ट परे घरे छाड़िला एसआईटी। नुआगढ़ बहुचर्चित परिहत्याकांड घटना जुक्त तीन छात्र सरोज और लोक एसआईटी गत काली सकाळ उठाई नहीं एवं भुवनेश्वर ठारे समस्त लाइ डिटेक्शन टेस्ट करी एबे सरोज को माँ और भौणी को घरे आनी छाड़ीथिबा सूचना मिली। तबे लाइ डिटेक्शन टेस्ट सह अधिक परीक्षा और जेरा पाई एसआईटी जुक्त तीन छात्र सरोज सेठी को एबे सुधा अटक रखिथिबा सूचना मिली। बाल्य विवाह नामटी शुणुशुणे एहा बेआईन बोली आमे समस्त जानिछे, किंतु आमे आपणको गोटे बर्षर गोटे जिलार बाल्य विवाह रिपोर्ट देखाइबु जहाँकि आपणको चकित करिब। 2020 पूरा बर्षटी महामारी कोरोनार बर्ष होइथिले सुधा बाल्य विवाह ए जिलारे एते मात्रा रे बढ़िछि। आउ सरकारी स्तर रे रोका जाइछि सत, किंतु काटो करुनी सचेतनता। तबे बाल्य विवाह मात्र गोटे जिलारु केते होइछि कौन रही तालिका देखु आमर ही स्पेशल रिपोर्ट। खुल्लम खुला गाँ गाँ में चलुची बाल्य विवाह वर्तमान भी गोटे दिन में एकाधिक बाल्य विवाह बेआईन सत्वे बाल्य विवाह कमिबार ना धरुनी। बाल्य विवाह भयंकर चित्र सामना को आसी गंजाम जिलारु। तथ्य कहुची गंजाम 2017 मसीह 2020 मसीह भितर बाल्य विवाह तालिका को देखिले 2020 संख्या प्रशासन मुंड व्यथार कारण पलटि। जिले में 2017 24टी 2018 22टी 2019 बाल्य विवाह होता बेले 2020 नवंबर सुधा सर्वाधिक 168 बाल्य विवाह हो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची 2020 मसीहा महामारी कोरोना सत्वे 168 बाल्य विवाह किछि कम कथा नुहे। सबुठारु चकित कथा हेउची 2020 नवंबर सुधा 168 बाल्य विवाह ठाबो होइतिबा बेले केवल डिसेंबर मासर 15 दिन रे पाखापाखी 30 बाल्य विवाह ठाबो होइछि। एहि सबु विवाह को प्रशासनिक स्तर रे रोका जाइछि सत, किंतु ए तालिका रे रोक न लागिले आगकु जिल्ला रे बाल्य विवाह रो स्थिति भयंकर होइ पारे बोली आकलन करा जाउछि। एरिया तो निश्चित भाव गोटे बहुत मान भयंकर परिस्थिति जे 100 वर्ष रु ऊर्ध वर्ष चलीगला शारदा एक्ट पास आउ समाज रे जेते सब सचेतनता सृष्टि हो कथा हो सारे किंतु से चली बाल्य विवाह बंद हो तार मूल कारण हला शिक्षा जेतिकी भाव रे सुदूर प्रसारी हवा प्रसार हवा कथा शिक्षा से सुदूर प्रसार है ना। बाल्य विवाह सांप्रतिक परिस्थिति गंजाम जिले में एक सामाजिक व्याधि रूपे बढ़ी चली। जनसाधारण सचेतनतार अभाव जो यह हू रूप बढ़ी चलते आपणकर परिसंख्यन जहाँ जमापड़ी विगत तीन वर्ष जदि देखा चलित बर्ष मात्राधिक भाव बाल्य विवाह घटी। यार मुख्य कारण रोज प्रशासनिक अधिकारी मैंने जो मैंने बाल्य विवाह को रोक लगुं कि चाइल्ड सेक्शन वाला जो मैंने रोक लगुं से मैंने केवल रोक लगे नीरव रही जाऊँ। जो मैंने बाल्य विवाह को प्रोत्साहन करुं कि जो मैंने बाल्य विवाह को सहयोग करुं विरुद्ध जो आईनगत फौजदारी मकदमा हूँ गिरफ हूँ कोर्ट कचेरी धाई था अन्न जनसाधारण गोटे भय सृष्टि होता यह रोक जाता।
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ସତେ ଯେମିତି କାଟୁ କରୁନଥିବା ଭଳି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ନିର୍ଭୟା କଢ଼ି, ମୋ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ, କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଞ୍ଚାଓ ଭଳି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ଅଭାବ ରହିଛି ସଚେତନତା। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆୟୋଜନର ଖବର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ମାଳମାଳ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଏରିଆରେ, ଆସ୍କା ଏରିଆରେ ମାନେ 3-4 ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯେଉଁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ତ ସେଠି ଯେଉଁ CDPO ଅର୍ ତହସିଲଦାର ପୁଲିସକୁ ନେଇକି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଇଥିଲୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆମର ଆକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆୱେର୍ନେସ୍। ତ ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଛୁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବିଗ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିପାରୁନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡଲସନ୍ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆମର CDPO ତାଙ୍କର, ତାପରେ ଆଶା, ANM, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାଉନ୍ସିଲିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ରହୁଛି ହେଲ୍ଥ ସାଇଡ଼, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ସାଇଡ଼, ସୋସିଆଲ ସାଇଡ଼, ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଘୋଷିତ କରିଛୁ କି ଯଦି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇବେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ କରସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରଠାରେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କିପରି ନିଧି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ 3-ଜଣିଆ କମିଟି କରି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କରସେବକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦେବପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାମଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ହବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଠୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାରି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ଲୋକଙ୍କର ଭାରତ ସାରା ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜନ ହୋଇସାରିଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତ ରହିବ, ତା ସହିତ ସମର୍ଥନ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ଏ ଚିନ୍ତନଟା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।